हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है यूमी एंड फूड। व्रत के समय में अक्सर ऐसा होता है कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो झटपट बन जाए और थोड़ा फीलिंग भी होना चाहिए ब्रेकफास्ट। तो चलिए, आज मैं ऐसी ही कुछ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। साबूदाना थाली पीठ बनाने जा रही हूँ, तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। साबूदाना थाली पीठ बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप साबूदाना है, जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। और अब ये साबूदाना इस तरह से बहुत ही अच्छा खिलकर तैयार हो गया है, रेडी है और बहुत ही सॉफ्ट है ये इस तरह से। तो साबूदाना हमारा बिल्कुल रेडी है। और साबूदाना को किस तरह से भिगोना है उसके टिप्स आप मेरी साबूदाना कटलेट या साबूदाना खिचड़ी बनाने के वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही हमने लिए हैं 3 से 4 मीडियम साइज के आलू। अगर आप बड़े आलू लें तो आप 2 आलू भी ले सकते हैं। साथ ही हम लेंगे आधा कप सिंघाड़े का आटा। आप यहाँ पे कुट्टू का आटा या राजगिरी का आटा, जो भी आटा आप व्रत में यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच हम यहाँ लेंगे घी साबूदाना थाली पीठ को बनाने के लिए। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया 2 बड़े चम्मच मूँगफली, जिसे मैंने रोस्ट करके और थोड़ा सा कोर्सली ग्राउंड करके ले लिया है। साथ ही हम लेंगे 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून अदरक घसा हुआ, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक, काली मिर्च आधी छोटी चम्मच, हरी मिर्च को हमने बारीक काट कर ले लिया है, और हरा धनिया। तो चलिए आइए साबूदाना थाली पीठ बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना थाली पीठ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे साबूदाना, और साबूदाना को हम मैशर की हेल्प से हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, हल्का हल्का मैश करना है इसे हमें। साबूदाना को हमने मैश करके ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को मैंने ग्रेट करके रख लिया है, आलू डाल रही हूँ मैं इसमें। आप चाहें तो उसे मैश कर लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा, साथ ही हम इसमें डालेंगे मूंगफली, पिसा हुआ अदरक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली, काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, साथ ही हम डालेंगे इसमें जीरा। अब हम इस सारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हमें एक सॉफ्ट डो रेडी करना है, और इसमें हमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। आलू के मॉइस्चर से ही हम एक डो रेडी करेंगे। डो हमारा अच्छा रेडी हो गया है, और अब हम इस पर हल्का सा ऑयल या घी लगा लें आप, और इस डो को हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। और अब हम थाली पीठ बेलना शुरू करते हैं। थाली पीठ बेलने के लिए बैटर में से हमने ये मिक्सचर में से हमने थोड़ा मिक्सचर ले लिया है, और इस तरह से हमने एक इसकी बॉल बना ली है। और साथ ही हम इसे बेलेंगे इस तरह से, हमने चकले पर एक पॉलीथीन लगा लिया है। आप कोई सा भी पॉलीथीन लगा सकते हैं, और इस पॉलीथीन पे हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। और अब हम इस डो को इस पॉलीथीन पे इस तरह से रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे, और पॉलीथीन की दूसरी साइड जो है वो हम इस डो के ऊपर रख लेंगे, और इसे हम इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए बेलेंगे। चारों तरफ से इसे इक्वली बेलना है, और इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम सा बेलना है। और ये थाली पीठ हमारा बिलकर तैयार है। इसे हम सेकते हैं। थाली पीठ को सेकने के लिए मैंने इस तरह के एक नॉनस्टिक पैन में घी को गर्म कर लिया है, और थाली पीठ को मैंने बहुत ही सावधानी से उससे हटा लिया है पेपर से, और इस तरह से इसे हम पैन में डाल देंगे। इसे आप बहुत ही सॉफ्टली करें, क्योंकि ये थाली पीठ जो है ये बहुत सॉफ्ट हैं, ये टूट सकते हैं। और अभी पैन में स्पेस है, तो मैं एक साथ 2 थाली पीठ सेक सकती हूँ, तो मैं दूसरा थाली पीठ तैयार कर लेती हूँ। एक तरफ से पकने पर हम इसकी साइड चेंज करके इसे दूसरी तरफ से भी पका लेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। थाली पीठ जो है वो दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है, और ये थाली पीठ हमारा बनकर तैयार है। इसे हम प्लेट में गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं, और इसी तरह से मैं अपने बाकी के थाली पीठ भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। थाली पीठ बनकर तैयार है, और इसे आप हरी चटनी या अमचूर की चटनी या इमली की चटनी, जो भी आप व्रत में खाते हैं, व्रत की चटनी जो होती है, उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपके तवे या पैन का साइज बड़ा है, तो एक बार में आप 2 से 3 जो थाली पीठ है वो बना सकते हैं, तो उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा, और बहुत ही झटपट ये नाश्ता बन जाएगा, और बहुत ही कम ऑयल या घी में नाश्ता बनता है, पर बहुत ही फिलिंग नाश्ता होता है ये। और इतने बैटर से हमारे 5 थाली पीठ जो हैं वो बनकर तैयार हैं। तो अगर आपको मेरा ये थाली पीठ बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।